हे hey, हेलो दोस्तों मैं हूं मैहुमो और क्राइम इन हिंदी के एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है दोस्तों अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टेट में एक छोटा सा टाउन है डेनेमोरा इस डेनेमोरा में एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन है जिसका नाम है क्लिंटन करेक्शनल फैसिलिटी और ये जेल 1844 में बनाया गया था मतलब सोचिए काफी पुराना जेल है और इस जेल का एक इतिहास रहा है कि यहाँ से आज तक कोई भी भाग नहीं पाया है लेकिन दोस्तों जून 2015 को ये चेंज होने वाला था क्योंकि 6 जून 2015 को इस जेल से दो कैदी भाग जाते हैं इन दोनों कैदी का नाम है रिचर्ड मैट और डेविड स्वेट और ये दोनों अपने प्रिजन सेल के जो एयर वेंट है उसको काट के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे फिर से एक बहुत बड़ा एक पाइप जो कि कोई स्टीम पाइप था उस पाइप को दो जगह काट के उसके अंदर घुस के बाहर किसी मैनहॉल में निकल जाते हैं और इस जेल से भाग जाते हैं यह देखा जाए तो एकदम ही एक इम्पॉसिबल प्रिजन ब्रेक था दोस्तों और ये न्यूज़ उस समय 2015 में इतनी बड़ी न्यूज़ हो गई थी अमेरिका में कि इस न्यूज़ को द तो सॉस एंग रिडेम्सन मूवी के साथ कंपेयर किया गया था बहुत लोगों को ये मूवी मालूम ही होगी एक ऑस्कर विनिंग बहुत ही बढ़िया फिल्म है दोस्तों इस फिल्म में भी क्या होता है जो एक्टर होता है वो एक जेल में होता है और ऐसे सुरंग खोद के वो वहाँ से भाग जाता है जेल से तो दोस्तों यही कहानी आज की एस्केप फ्रॉम डेनेमोरा अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू सो मच दोस्तों छः जून टू को सुबह के साढ़े बजे प्रिजनर्स की काउंटिंग होती है सारे कैदी उठ गए होते हैं काउंटिंग चल रही होती है लेकिन दो कैदी को छोड़ के तो जेल ऑथॉरिटीज़ ने उन्हें बार बार उठाया कई बार आवाज़ दी लेकिन वो लोग उठे नहीं तो ज़बरदस्ती उन्हें जेल के सेल के अंदर जाना पड़ा और जब उन्होंने उनको अपने बेड से उठाया तो देखा कि वहाँ पे वो लोग थे ही नहीं वो उनके डमीज़ रखे हुए थे बेड पे। अब ये देख के मतलब जेल ऑथरिटीज़ की एकदम हवा निकल गई दोस्तों एकदम वो लोग शौक हो गए थे और जो दो कैदी भागे थे उनका नाम था रिचर्ड मैट और डेविड स्वेट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था ये जेल 1844 में बनाया गया था और तब से आज तक 2015 तक इस जेल से कोई भी नहीं भाग पाया था लेकिन इन दोनों ने ये काम करके दिखाया जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो ये मालूम चला कि ये लोग भागे कैसे दरअसल उनका जो सेल था उसमें एक एयर वैन था छोटा सा जो कि एकदम मेटल का बना हुआ था तो इन दोनों ने कहीं से एक हैक्सो ब्लेड का इंतज़ाम किया उस मेटल प्लेट को काटा उसके अंदर गए फिर वहाँ भी पूरा ओपन जगह था वहाँ से ऊपर नीचे इधर उधर जाते जाते टनल्स से जाते जाते एक बहुत बड़ा एक स्टीम का पाइप था जो कि उस समय बंद हो गया था मतलब उसके अंदर स्टीम नहीं था तो उस पाइप को एक जगह पे उन्होंने काटा उसके अंदर गए और बहुत दूर जाके दोबारा एक ओपनिंग किया उस पाइप से और फिर वहाँ से एक मैन होल जो जेल के बाहर खुलता था वहां तक वो लोग पहुंच गए तो अब बात करते हैं दोस्तों कि इन्होंने ऐसा किया कैसे दोस्तों इनके जो सेल्स थे वो ऐसे एडजॉइनिंग थे एक के बाद एक ये रिचर्ड मैट जो था वो यहाँ से भागना चाहता था और उसके प्लान के बारे में उसने डेविड स्वेट को बोला दोनों रेडी हो गए और दोनों ने प्लान बनाना शुरू किया कि यहाँ से कैसे भाग सकते हैं तब उनको अपने सेल के उस एयर वेंट के बारे में मालूम चला उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया इंफॉर्मेशन हासिल किया और तो तब उनको मालूम चला कि अगर वो लोग एयर वेंट को काटेंगे तो उसके पीछे ऐसे सुरंग वाली कुछ जगह है वहाँ से ऊपर नीचे हो वो एक स्टीम पाइप में जा सकते हैं जो कि अभी बंद रहता है तो उस पाइप को काट के वो लोग बाहर जा सकते हैं अब जो पहली चीज़ थी जो इनको चाहिए थी वो थी एक हैक्सो ब्लेड क्योंकि उनको स्टील काटना था और इस चीज़ को हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत ही एक ख़तरनाक लेकिन एक फुल प्रूफ प्लान बनाया पहले तो उनके लिए एक चीज़ बहुत ही लकी साबित हुई कि ये दोनों जिस ब्लॉक में थे जैसे प्रिजन होता है दोस्तों उसमें कई अलग अलग, अलग ब्लॉक होते हैं तो ये दोनों जिस ब्लॉक में थे वो ब्लॉक की सिक्योरिटी मतलब काफ़ी कम थी उसको ऑनर ब्लॉक बोला जाता था और वहाँ पे ये लोग मतलब जेल का यूनिफॉर्म ही नहीं पहनना पड़ता था सिविलियन कपड़े में ये लोग हो सकते थे बहुत ही फ्रीडम था उस ब्लॉक में अब जो टूल्स उनको चाहिए थे वो उनको ला दिया जॉयस मिच्चल नाम की एक महिला ने अब ये जॉयस मिचल जो है वो इस जेल में ही काम करती है दोस्तों इस जेल में एक टेलरिंग शॉप है और उस शॉप की जो सुपरवाइज़र है वो है ये जॉयस मिच्चल अब ये जॉयस मिशल एक 50 ईयर्स की महिला है और इसका एक पति भी है एक बेटा भी है देखा जाए तो एकदम एक भोली भाली समझो घर वाली महिला है उस औरत को देख के आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई क्राइम कर सकती है या फिर ऐसे जो खतरनाक इनमेट्स हैं जेल में उनके साथ मिलकर कोई कॉन्स्परेसी कर सकती है अब दोस्तों पता नहीं कैसे लेकिन जो डेविड था डेविड स्वेट उसने किसी तरह से जॉयस मिशेल से दोस्ती कर ली और फिर ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और उनका रिलेशनशिप एकदम चलने लगा उनका रिलेशनशिप और ये दोस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि कई लोगों ने उनको नोटिस करना शुरू कर दिया था कि बहुत देर तक जॉर्ज इसके साथ बात करती रहती थी कमरे में घुसी रहती थी तब जेल ऑथोरिटीज को भी इसके बारे में पता चला तो उसने डेविड को ये जो टेलरिंग शॉप है उसके काम से हटा के किसी दूसरी जगह पर दे दिया अब डेविड के जाने के बाद जो रिचर्ड मेट था उसने फिर जॉर्ज मिचल को पटाने का ट्राई किया और जॉर्ज इस पर भी रिचर्ड के भी प्यार में वो गिर गई रिचर्ड और जॉयस का रिलेशनशिप इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ये रिलेशनशिप सेक्सुअल रिलेशनशिप हो गया था जॉयस का जो ऑफिस था वहाँ पे रिचर्ड भी जाता था और वहाँ पे ये लोग मतलब ऐसे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते थे इन दोनों का मेन मोटिव ये यही था कि जॉयस को अपने प्यार के जाल में फंसा के उससे ये जो टूल्स उनको चाहिए थे वो हासिल करना जॉयस को इस सब चीज़ों की कि वो पकड़ी जाएगी उसकी नौकरी खतरे में है वो सब उसके माइंड में आ ही नहीं रहा था यहाँ तक कि जॉइस का जो पति है वो भी इसी जेल में काम करता था लेकिन उसको भी भनक नहीं थे कि जॉयश उसके पीठ पीछे ये सब कर रही है अब जॉयश रिचर्ड के प्यार में एकदम गिर गई थी और रिचर्ड भी बहुत चालाक था दोस्तों उसने पहले ही एकदम सडनली जॉइ को जो हैक्सो ब्लेड एप टूल से वो सब नहीं मांगे थे धीरे धीरे उसको पटा पटा के पटा पटा के उसको एकदम अपने साथ मिला लिया था और एक दिन ऐसा आ गया था कि उसको पूरा भरोसा था कि ये जॉइज को वो कुछ भी बोलेगा तो वो लेके आएगी तो तब उसने जॉश को बोला कि उसका प्लान समझाया जॉज को कि वो ऐसा भागना चाहता है साथ में रिचर्ड भी है और उसको हैक्सो ब्लेड फील्ड ड्रिल बिट्स ये सब चाहिए चीजल वग़ैरह ये सब चाहिए और यहाँ तक कि जॉयस को इसके लिए भी कन्विंस कर लिया कि भागने के बाद जब वो मैनहॉल से निकलेंगे तो जॉइस ही अपनी गाड़ी लेके उनको पिकअप करे और उनको भागने में मदद करे और मैं दोस्तों बता दूँ कि ऐसे जेल से भागने वाले को एड करना ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह होता है लेकिन जॉयस प्यार में मतलब इतनी पागल हो गई थी कि ये सब करने वाली थी वो अब जब ये सब टूल्स उनके पास आ गए तो फटाफट उन्होंने वो एयर वेंट काट डाला फिर उसके अंदर गए फिर टनल्स के ऊपर नीचे यहाँ वहाँ जाके फिर वो स्टीम वाला जो पाइप है उनको मिल गया उस पाइप को काटने में उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई टाइम भी लगा लेकिन फिर भी उन्होंने उसमें एक ऐसा होल कर दिया जिसमें वो दोनों अंदर जा सके अंदर से फिर वो दोनों ऐसे क्रॉल करके एक दूसरी तरफ गए वहाँ भी एक टुकड़ा काटा और वहाँ से वो लोग बाहर आ गए काफ़ी मेहनत की दोस्तों इन्होंने मैं एक्चुअली आपको पूरा अच्छी तरह से समझा नहीं पा रहा हूँ लेकिन जो सेल का वो एयर वेंट है उसको काटने के बाद कई बार उनको कोई दीवार भी तोड़नी पड़ी यहाँ वहाँ पता नहीं कैसे इतने शोर शराबा तो होगा ये सब में काटने वाटने में तो जेल के अधिकारियों को कैसे नहीं मालूम चला ये भी एक मिस्त्री ही है क्योंकि उन्होंने एक दीवार तोड़ी है दो पाइप काटे हैं यहाँ वहाँ से निकल के फिर वो लोग जो मेन होल है जो एक्चुअली जेल के बाहर है जो टाउन है वहाँ पे खुलता है तो वहाँ तक वो लोग पहुँच गए अब दोस्तों सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा था इन्होंने प्लान किया था कि वो लोग लो मेन होल में निकलेंगे और वहाँ पर जॉइस खड़ी रहेगी अपनी गाड़ी के साथ तो वहाँ पर गाड़ी में चढ़ ये लोग भाग जाएंगे लेकिन दोस्तों इनका लक बहुत खराब था उसी दिन जिस दिन ये लोग भागने वाले थे जॉइस की तबीयत खराब हो जाती है उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है उसको पैनिक अटैक्स वगैरह होते हैं शायद घबराहट की वजह से कि वो ये क्राइम करने वाली है तो उस वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है दोस्तों और जब ये लोग भागते हैं तब वो जॉइश वहाँ पे नहीं पहुँच पाती है जॉइस को वहाँ पे ना देख के रिचर्ड जो है एकदम गुस्से से पागल हो जाता है उसको यकीन ही नहीं हो रहा है कि जॉइश वहाँ पर नहीं है अब उनके पास कोई प्लान बी भी, भी नहीं था कि अगर जॉइस नहीं आएगी तो वो लोग क्या करेंगे तब दोनों ने वहीं पे डिसाइड किया कि दोबारा उनको जेल में तो जाना ही नहीं था किसी हाल में स्पेशली रिचर्ड को तो उन्होंने सोचा कि मतलब पैदल ही वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ से वो लोग पास के जंगल में भाग जाते हैं जब वो लोग भाग रहे थे दोस्तों तो उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि वो पकड़े नहीं जाएंगे कि जो स्टीम पाइप था वहाँ पे वो कागज़ का नोट छोड़ के गए थे जिसमें एक स्माइली था और वहाँ पे लिखा था हैवे नाइस दे मतलब ये पुलिस को ऐसे ही उनका मजाक उड़ाने के लिए वो लोग छोड़ के गए थे अब दोस्तों कहानी को और आगे बढ़ाने से पहले इन दोनों इनमेट्स के बारे में बात करते हैं रिचर्ड मेट और डेविड स्वेट कि ये लोग किस जुर्म में इस जेल के अंदर गए थे और ये लो कितने लोग कितने खतरनाक लोग हैं तो दोस्तों जो रिचर्ड मैट था वो न्यूयॉर्क में ही उसका जन्म हुआ था 1966 में उसके जो पेरेंट्स का लाइफ था मतलब उनके फैमिली का लाइफ एकदम अच्छा नहीं था बहुत ही अर्ली एज में उसको फॉस्टर केयर में डाल दिया गया था फॉस्टर केयर मतलब दोस्तों अमेरिका में कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो ऐसा सर्विस चलाते हैं स्टेट ओन सर्विस कि कोई भी बच्चा अगर माँ बाप उसके मर गए हैं या वो लोग एल्कोहलिक हैं तो फॉस्टर केयर में उसको डाल देते हैं तो ऐसे ही ये और इसका भाई एक फोस्टर केयर में बरे हुए 1980s 1990s आते-आते ये जो मैट था एकदम क्राइम के लाइन में घुस गया था बहुत सारे क्राइम इसने कर डाला थे उस टाइम तक मतलब ऐसा था कि ये इतना बड़ा क्रिमिनल था कि कोई क्राइम छोड़ा ही नहीं था बर्गलरी रेप टेफ्ट कार चुराना सब कर लिया था इसने और ये एक एस्केपिस था मतलब ये जो जेल से भागा था ये पहली बार नहीं पहले भी ये ग्रुप होम से भागा है फिर नाइन्टीज में इसको जेल हुआ था वहाँ से भी वो भाग गया था तो एकदम ट्रबल्ड और बहुत ही मतलब शातिर खतरनाक क्रिमिनल है ये दोस्तों और जिस जुर्म की वजह से इसको इस प्रिजन में डाला गया था वो भी काफ़ी खतरनाक जुर्म था दोस्तों ये और एक शख्स इसका जो एक है ली बेट्स इन्होंने क्या किया, किया रिचर्ड के एक फॉर्मर जो एम्प्लॉयर था उसका उसको किडनैप कर लिया उसको किडनैप करने के बाद दोस्तों उन्होंने इसको गाड़ी की डिक्की में डाला और 24 फोर आवर्स तक उस गाड़ी को चलाते रहे और बीच बीच में कहीं कहीं पे रुक के रिचर्ड अपने एम्प्लॉयर को बहुत ही टॉर्चर करता था हाथ पाँव तोड़ देता था उसके साथ मारपीट करता था और इसके बदले में मतलब उसको पैसे चाहिए होते थे अब जब पैसे नहीं मिले लास्ट में तो रिचर्ड ने उसका जो फॉर्मर बॉस था उसको बुरी तरह से उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी उसका हत्या करने के बाद एक हैक्सो से उसके बॉडी के एकदम टुकड़े टुकड़े कर दिए और यहाँ वहाँ फेंक दिया मतलब सबूत मिटाने के लिए इसके बाद मतलब एक दूसरा मर्डर भी उसने किया फिर पुलिस ने इसको पकड़ लिया और इसका जो साथी था ली बेच उसने ही इसके खिलाफ गवाही दे के इसको ऐसे जेल करवा दी इस हत्याकांड के लिए उसको 25 साल जेल की सज़ा हुई अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे की जो डेविड स्वेट है इसका भी बचपन मतलब एकदम खराब गया ये भी वही जो फॉस्टर केयर है जैसे मैंने आपको वही पे वो भरा हुआ और बहुत ही जल्द मतलब ये क्राइम के लाइन में अपने कजिन के साथ इस क्राइम के लाइन में चला गया था ड्रग्स करना फिर गारियाँ चुराना मारपीट वगैरह एक्सटोरशन सब ये लोग कर रहे थे और एक बार क्या हुआ एक और अकाउंपलिस के साथ मतलब तीन लोग वो लोग थे तब उन्होंने एक जो बंदूक की दुकान होती है फायर आर्म्स की दुकान वहाँ से ये लोग चोरी कर रहे थे तब एक पुलिस वाले ने इनको रोक लिया और इन्होंने सीधा उस पुलिस वाले को शूट कर दिया एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज में और उस पुलिस वाले की वहाँ पे मृत्यु हो गई अब पुलिस को माना तो कितना सीरियस गुना होगा आप सोचिए और इस वजह से जो डेविड स्वेट है उसको उम्र कैद की सजा हुई विदाउट पेरोल तो आप सोचिए इस तरह के दो खतरनाक लोग अगर किसी शहर में छोटे टाउन में घुस गए और उनको किसी भी हाल में जेल में वापस नहीं जाना है तो ये लोग कितना ख़तरनाक हो सकते हैं आप सोचिए एक खुला हुआ कोई शेर जैसा एक चीज़ होगा एक टाउन में तो पुलिस इस चीज़ को बहुत ही मतलब सीरियसली ले रही थी और एकदम एक, एक मैन हंट चालू हो गया था इनके भागने के बाद अब ऑथोरिटीज़ को दो दिन बाद मालूम चल गया कि जो जॉर्ज मिशल है उसी ने इनकी हेल्प की है, हैक्स वगैरह में भागने के लिए और जॉयस मिचल के कन्फेशन के बाद पुलिस को ये भी मालूम चल गया कि उस दिन जॉयस इनको अपने गाड़ी में उठा के उनको भगाने वाले थे लेकिन ये तो हो नहीं पाया क्योंकि वो उस दिन हॉस्पिटल में चली गई थी तो इसकी वजह से पुलिस ने यही हिसाब लगाया कि अगर गाड़ी नहीं है तो ये लोग ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे पास ही का एरिया काफ़ी जंगल वाला एरिया था जहाँ पे छोटे छोटे विलेजेस थे टाउन्स थे तो ये लोग यहीं पर होंगे और पुलिस ने अपना सर्च इन्हीं जगह पर करना शुरू कर दिया था सभी जो उस एरिया में रहने वाले लोग थे पुलिस ने उनको अलर्ट कर दिया कि अपना जो घर वगैरह है सब चेकिंग करें, बेसमेंट वगैरह चेकिंग करें, गाड़ी वगैरह और जो साइटिंग्स यहाँ वहाँ हो रही थी उनकी मतलब लोग उनको देख रहे थे कि भाग रहे है वो एक दो ऐसे साइटिंग्स हुए थे तो पुलिस ने उन सबको एकदम सीरियसली लिया यहाँ तक कि सेवेंटी फाइव थाउजेंड वो भी एक आदमी का तो ये बाउंटी भी पुलिस ने अनाउंस किया ये दोनों का मतलब इतना कहर हो गया था उन कुछ दिनों के लिए दोस्तों कि स्कूल कॉलेजेस भी बंद कर दिए थे उस एरिया के अब दोस्तों वहां के ही एक पास के फ्रैंकलिन काउंटी में जो मैट है उसको देखा गया वो कहीं से एक हथियार चुरा लिया था उसने क्योंकि जंगल वाला एरिया था काफी लोग कैंपिंग वगैरह करते थे तो वहां से इसको एक हथियार मिल गया और ये कहीं पे एक गाड़ी चुराने के लिए उस हथियार का इस्तेमाल कर रहा था तभी पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर लिया लेकिन ये किसी भी हाल में जेल वापस नहीं जाना चाहता था तो इसने पुलिस पे हमला किया और उसके अगेंस्ट में पुलिस ने काफ़ी सारी गोलियां चलाई तो इसको एक गोली लग गई और इसकी मृत्यु हो गई वहीं पे भागने के तीन हफ्ते बाद या, इसकी मृत्यु हो गई उसके बाद दोस्तों जून को जो स्वेट था उसको भी एक जगह पर स्पॉट किया गया तो पुलिस उसके पीछे लग गई और पुलिस ने उसको वार्निंग शॉट दिया और उसको रुकने के लिए कहा क्योंकि वो भाग रहा था तो वो रुक नहीं रहा था तो पुलिस ने पीछे से उसको गोली मारी तो एक गोली उसको ऐसे टॉर्सो में लगी लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहा था फिर वो वापस जा रहा था तब पुलिस ने एक दोबारा गोली उसको मारी और उस गोली से वो गिर गया फिर पुलिस ने उसको पकड़ लिया जब उसको पुलिस ने पकड़ा तो गोली लगने की वजह से उसका जो कंडीशन था काफ़ी सीरियस था लेकिन फिर भी वो बच गया और अभी वो एक कुछ नया प्रिजन में वहाँ पर है दोस्तों जो जॉज मिशल है उसका जो किरदार है इस कहानी में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो नहीं होती तो ये लोग जो है वो भागने का सोच भी नहीं सकते थे और ये एक्चुअली बहुत ही एक सीरियस मामला हो गया था क्योंकि जो जॉइस थी वो वहाँ पे ही काम करती थी जेल में नौकरी करती थी तो ये तो एक कैदियों के लिए बहुत ही इजी हो जाएगी कि ऐसे महिला जो है इनको ऐसे पटा वटा के वो लोग हैक्सो ब्लेड वगैरह या कुछ भी चाबी वगैरह लेके आएंगे तो पुलिस ने इस केस को मतलब काफ़ी सीरियसली लिया जॉयस मिचल के केस को जॉयस ने भी कन्फेस किया कि उसने इन लोग की भागने में मदद की है कॉन्ट्रा बैंड जो 100 ऑफ ब्रेड वगैरह है वो सब वो लेके आई है और उसने दोस्तों एक ऐसी बात मानी जो सुन के शायद मतलब आप सोच सकते हैं कि कैसा ये लोग कर सकते हैं उसने ये बात भी मानी कि जो रिचर्ड थे और डेविड थे उनके साथ मिलके ये अपने हस्बैंड को भी मतलब मारना चाहती थी मतलब ये नहीं रिचर्ड ये लोग मानना चाहते थे क्योंकि उनका प्लान ही था कि डेविड रिचर्ड और जॉयस वो लोग कहीं भाग जाए मतलब अमेरिका से और जो जॉयस का पति होगा वो वो इस चीज़ में आरे में आएगा इसीलिए वो लोग इसके पति को एकदम मान डालना चाहते थे और वो बात जॉइस को पता भी था आप सोचिए खैर जो भी हो दोस्तों ये लोग पकड़े गए और किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले ये लोग पकड़े गए बाद में जब स्वेट का इंट्रोगेशन हुआ तो उसने बोला कि ट्वेंटी जून को ऐसा हो गया था कि जो रिचर्ड था वो और चल ही नहीं सकता था उसकी हालत तो एकदम ख़राब हो चुकी थी तो इसीलिए डेविड उसको वहीं पे छोड़ के वो लोग अलग अलग हो गए अब जो डेविड स्वेट था दोस्तों उसका केस ऐसा बना कि वो तो पहले से ही उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो ही रहा था उसके बाद भी ये प्रिजन से भागने वागने के लिए उसको फिर से सात साल और सज़ा हो गई उसकी लेकिन जो जॉयस मिशल थी दोस्तों जो महिला जिसने इन लोगों को हेल्प किया था उसने भी प्लेट गिल्टी किया उसको काफ़ी फाइन वाइन देना पड़ा और उसकी सज़ा ये हुई कि उसको सात साल की जेल की सजा हुई जो जिसमें से सिर्फ पाँच साल ही वो जेल में रही और टू को वो रिलीज हो गई जेल से अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये औरत जो पचास साल की है हस्बैंड है एक बेटा है तो उसने ऐसा किया क्यों तो ये शायद हम लोग कभी समझ नहीं पाएंगे दोस्तों क्योंकि ये एक मानसिक चीज़ है क्योंकि हम लोगों ने कई बार देखा है कि कुछ महिलाएं होती है जो ऐसे जो खतरनाक लोग हैं जो क्रिमिनल्स हैं उनके प्रति काफ़ी वो आकर्षित होती है जैसे कुमें कुछ एग्जाम्पल दे सकता है चार्ल्स शोभराज वो पकड़े जाने के बाद कई लड़कियों ने उसको लेटर लिखा उनको मतलब उससे शादी करना चाहती थी वो फिर चार्ल्स मैंशन भी है और है टेड बंडी जो थर्टी लड़कियों का सीरियल किलर है उसके पकड़े जाने के बाद कई लड़कियों ने उससे शादी करने की इच्छा प्रकट की तो सोचिए मतलब लोगों के दिमाग में क्या चलता है कभी समझा नहीं जा सकता खैर दोस्तों यही कहानी थी आज की होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिए और आगे बने रहिए ऐसी और कहानी के साथ बहुत ही जल्द आपसे मिलता हूँ थैंक यू सो मच